इस वीडियो में हम आपको क्लाउज बताएंगे, अदरवाइज अदरवाइज क्लाउज बताएंगे आपको। अदरवाइज की हिंदी होती है अन्यथा या नहीं तो, क्लाउज का मतलब होता है उपवाक्य। ठीक है, तो इसका जो यूज़ है, कुछ घटित नहीं हुआ तो परिणाम क्या होगा के अर्थ में किया जाता है। ठीक है, तो अब क्या करना है कि ये जो सेंटेंस है स्टडी हार्ड, पहला सेंटेंस ये जो है स्टडी हार्ड, और इस ये जो है पहला है, उसके बाद में यू विल है, ये यू विल गेट फेल्ड, तुम एस्पल हो जाओगे, कठोरतापूर्वक अध्ययन करो तुम एस्पल हो जाओगे। अब क्या करना है कि अदरवाइज, अदरवाइज का मतलब होता है अन्यथा या नहीं तो। तो हम क्या करेंगे, पहले ये लिखेंगे, पहला जो सेंटेंस है ये, पहला जो है स्टडी हार्ड, पहला क्लाउज जो है ये देखिए, स्टडी हार्ड, ये पहला क्लाउज हो गया। उसके बाद लिखेंगे अदरवाइज, अदरवाइज का प्रयोग बीच में करना चाहिए, पढ़ करके उसके बाद में इसको हल करना चाहिए, स्टडी हार्ड, अदरवाइज यूल गेट फेल्ड, कठोरतापूर्वक अध्ययन करो अन्यथा आप फेल हो जाएंगे, अन्यथा आप एस्पल हो जाएंगे, नहीं तो आप एस्पल हो जाएंगे। ये हो, तो देखते हैं अगला सेंटेंस। अगला जो क्लाउज है वो है, जैसे मान लीजिए मैं यहाँ लिखूं, फॉलो द ट्रैफिक फॉलो द ट्रैफिक रूल्स, यातायात के नियमों का अनुसरण कीजिए, ये पहला क्लाउज हुआ। और उसके बाद में हम लिखेंगे यहाँ अदरवाइज, अदरवाइज, अदरवाइज यूल, अदरवाइज यूल मीट एंड एक्सीडेंट। फॉलो द ट्रैफिक रूल्स, यातायात के नियमों का पालन करें या यातायात के नियमों का अनुसरण करें, अदरवाइज नहीं तो यूल मीट एन एक्सीडेंट, अन्यथा आप दुर्घटनाग्रस्त हो जाएंगे, अन्यथा आप दुर्घटनाग्रस्त हो जाएंगे, नहीं तो या फिर अन्यथा, दोनों अर्थ इसके। अगला सेंटेंस देखिए, बहुत ही आसान है ये, बहुत ही सरल है, समझने में कोई कहीं भी कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। लिखते हैं आगे, रीच द स्टेशन, स्टेशन पहुंचिए टाइमली, समय पर, रीच द स्टेशन टाइमली, समय पर स्टेशन पहुंचिए, अदरवाइज, अदरवाइज यू, अदरवाइज यू विल मिस द ट्रेन, रीच द स्टेशन टाइमली, समय पर स्टेशन पहुंचिए, अदरवाइज नहीं तो यू विल मिस द ट्रेन, आपकी गाड़ी छूट जाएगी, नहीं तो आपकी गाड़ी छूट जाएगी, अन्यथा आपकी गाड़ी छूट जाएगी, रीच द स्टेशन टाइमली, अदरवाइज यू विल मिस द ट्रेन। अगला सेंटेंस देखते, बहुत ही सरल है ये क्लाउज जो है, बहुत ही आसान भी है और सरल भी है। अब जैसे कि यहां मैं लिखता हूं, फॉलो माई
एडवाइस, मेरी सलाह का अनुसरण करिए, मेरी सलाह का अनुसरण करिए। अदरवाइज अदरवाइज यू, अब ये विल के स्थान पर हमने अपोस्ट्रोफी डाल करके डबल एल कर दिया, इसका डब्ल्यू आई हटा दिया, यूल हो गया, या अन्यथा ये यू विल था। ठीक है, फॉलो माई एडवाइस, मेरी सलाह का अनुसरण कीजिए, अदरवाइज अन्यथा यूल फॉल इल, अन्यथा आप बीमार पड़ जाएंगे। ये कि जैसे मान लीजिए एक डॉक्टर है, डॉक्टर ने कहा मरीज से कि फॉलो माई एडवाइस, मैंने जो सलाह दी है मेरी सलाह का अनुसरण कीजिए, अदरवाइज यू विल फॉल इल, नहीं तो तुम बीमार पड़ जाओगे। ये एक डॉक्टर ने मरीज से कहा होगा। देखिए उसके बाद अगला सेंटेंस, जैसे मान लीजिए अगर मैं यहाँ लिखूं कि किप योर परसेप्शन करेक्ट, अपनी धारणा को सही रखें, कीप योर परसेप्शन करेक्ट, अपनी समझ को सही रखें, अपनी धारणा को सही रखें। अदरवाइज अदर वाइज अदरवाइज यूल हैव टू सफर, सफर का अर्थ है भुगतना। ठीक है, कीप योर परसेप्शन करेक्ट, अपनी धारणा को सही रखें, अपनी समझ को सही रखें, अदरवाइज नहीं तो यू विल हैव टू सफर, आपको भुगतना पड़ेगा। अपनी धारणा को सही रखें, अन्यथा आपको इसे भुगतना पड़ेगा। तो कीप योर परसेप्शन करेक्ट, अदरवाइज यू विल हैव टू सफर। तो मुझे उम्मीद है कि आपको पूरी तरह समझ में आ रहा है, तो एक सेंटेंस और हो जाए। तो देखिए, बीवेयर ऑफ दी इविल, बुराई से सावधान रहें। इविल का अर्थ है बुराई, बीवेयर ऑफ का अर्थ है से सावधान रहें। बीवेयर ऑफ दी इविल अदरवाइज, बुराई से सावधान रहें, अन्यथा योर हैबिट विल गेट स्पॉइल्ड। बीवेयर ऑफ द इविल, बुराई से सावधान रहें, अदरवाइज नहीं तो, अन्यथा योर हैबिट विल गेट स्पॉइल्ड, अन्यथा आपकी आदत खराब हो जाएगी। अदरवाइज योर हैबिट विल गेट स्पॉइल, अन्यथा आपकी आदत खराब हो जाएगी। तो मुझे उम्मीद है, एक छोटा सा ही वीडियो था आपके लिए, एक छोटा सा ही टॉपिक लेके आया था मैं आज, तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये सेंटेंस समझ में आया, अब तो आ ही गया होगा। और इसका अब कितना बनाएंगे, बस ये इतने ही वाक्य काफ़ी है आपको समझने के लिए, और मुझे नहीं लगता कि ये ज़्यादा कोई हार्ड था। बहुत ही सरल जो है टॉपिक लेके आया था मैं आज आपके लिए, और आपको समझ में आ ही गया होगा। तो अगर आपको ये वाक्य सेंटेंस जितने भी थे क्लाउज के आपको समझ में आ गए हैं, तो लाइक कीजिएगा मेरी इस वीडियो को, अधिक से अधिक शेयर भी कीजिएगा। थैंक यू।